गाइस अभी हम यहाँ पे पैकेजिंग कर रहे हैं, लकड़े के ऊपर कपड़ा डाल रहे हैं और इधर डेकोरेट कर रहे हैं। उधर मौसी कटिंग कर रही है डेकोरेशन की, सब सेट बना रही है। हम लोग ये लगा, नहीं वाइट लगाना है, वाइट वाला। ये मेरी बहन केक खा रही है, यूजलेस पीस। और मेरी मम्मी सबको डांट रही है क्योंकि उनकी जो छोटी बहन और ये देवरानी है काम नहीं कर रही है। और एक है जो हमें आला जान खा रही है। मैं तो ऑफिस का काम कर रही थी, आप लोग इसके लिए हेल्प मांगने को बुलाए। मैं बहुत काम करती हूँ, मैं जॉब भी कर रही हूँ, मैं ये भी कर रही हूँ, मैं सारा काम कर रही हूँ। गाइस आप देख सकते हो हमने यहाँ पे ये चॉकलेट का बनाया है, इसके ऊपर के फ्लावर चेंज करके हम रेड वाला लगाएंगे, ये चेंज हो जाएगा। फिर ये आई थिंक मखाना का लावा है, ये सारे ड्राई फ्रूट्स है और इसका फ्लावर चेंज होगा। और हम लोग ने जो लोगों के कपड़े हैं वो यहाँ पे ऐसा रखे हैं फैमिली वाइज। अभी ये बाकी के इधर सामान रखे हुए हैं, इसको हम लोग को पैक करना बचा है। तो क्योंकि हमारे पास ये गोल्डन रिबन ख़त्म हो गया था तो अभी हमको ये रिबन लाना पड़ेगा। बट इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी। गाने बजा देने तो ये तो गाइस के मेरे नाखूनों में लगने वाला है टू पीस। खैर मुझे पानी लेना। और मैंने तुम लोग को एक ब्राइड्समेट वाला वीडियो भेजा था, ब्राइड्समेट की ड्यूटी क्या क्या होती है। हाँ। देखा था वीडियो, तूने देखा था? No. हम ऑलरेडी कर रहे हैं शादी के पहले से। हम ब्राइड्समेड नहीं थे तब से कर रहे हैं। अबे ब्राइड्समेड तुम लोग तब से थे जब तुम लोग पैदा हो गए थे, तभी से फाइनल था ये बहन है तो ये ब्राइड्समेड है। सोचो अगर मैं मोनिका जैसी होती थोड़े बहुत सिर्फ शादी वाले मैटर में मुझे लगता। हाँ बस शादी वाले, फैशन, कपड़े, खाने में, और क्या बचा? और कुछ बच रहा? सोने में, रहने में। हाय गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अभी भी अपना नाखून करा रही हूँ और मैं बहुत अच्छे शेप में बैठी हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं। हवा में शादी तक ना मेरे कवर रहेंगे ना मेरे हाथ। तुझे पता है तू बोली थी ना कानी उंगली टच नहीं होना चाहिए, बट एक्चुअल में मेरे इस उंगली में प्रॉब्लम है, पता है? ये उंगली का टच हो रहा है। Why so happy? You are done. You can see. Oh, my God. Very proud of you. I am very proud of myself too. I don't know why that came out, but okay. It's so perfect. नकली है, नकली। हाँ, reel बना दी, इसका wrap करूँ? The arch and the artist. आज तो और ये मोजा, अरे पहना मेरे, इसको कहा कि मेरा अब से लेके एंगेजमेंट तक का मैं पीछे दिखना, तो मैं मोजा भी खुद से नहीं पहनूं। अब अभी आपने अभी अभी कह रहा है इसके लिए लगा रही हूँ जूता भाई। नेल्स कराने के बाद ऐसे बैठते पोजीशन से हिल भी नहीं है ना, उंगलियां हिला भी नहीं रही है, दो इंच तो भी नहीं हिला रही है। अगर कुछ ऐसा हो गया और ऐसी गाड़ी हिल गई थोड़ी ऐसी वैसी करके तो ये भी ऐसे ऐसे हिलेगी। गायरोस्कोप लगा लेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले क्लिप में दिखाया, मेरी मेहंदी लग चुकी है, मम्मी मेरा इधर बेड साफ कर रही है ताकि मैं सो सकूं, क्योंकि मैं अभी अपना मेहंदी नहीं निकाल सकती, मेरे मेहंदी निकालने में भी थोड़ा टाइम और है। 3 बजे निकालने बोला है तो 3 बजे निकालूंगी। और इस पर झंडू बाम लगाना है क्योंकि झंडू बाम से कलर आता है। हाँ, मैंने झंडू बाम ही मंगवाया और झंडू बाम ही लगाएंगे हम। अभी से हम 34 आवर्स में निकल चुके रहेंगे मम्मी, मैं निकल चुकी रहूंगी मेरी बहन के साथ जो मेरे साथ सोई है, दिस सिस्टर। एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो मॉर्निंग। 2 हो रहे हैं 15। अरे मैं लाऊं झंडू बाम? लो अपना झंडू बाम। मेरी चाची ने बताया इस पर झंडू बाम लगा के रैप कर ले,
तो ज्यादा अच्छा चढ़ेगा। और दीदी नहाने भी नहीं वाली है कल। यस मैं नहाऊंगी भी नहीं। अब जाओ सो जाओ। नौशे के ब्यूटी से तो आप लोग ने देखा घर ठंडी के टाइम में छोटे बच्चों को ऐसा पहना दिया। Hi guys, good morning. मेरे हाथों में बिंदी चढ़ गई है as you can see. कल रात को बहुत झंडू बाम खेलना पड़ा बट हमारे हाथ में मेहंदी चढ़ गई है। अभी इसको 12 घंटे तक पानी नहीं लगाना है तो इसके लिए मैं आज नहाऊंगी नहीं, मैं ऐसे ही घूमूंगी। इतनी मेहनत कर रहे हो मेरी शादी के लिए। एंगेजमेंट भैया इतनी मेहनत। वैसे ये नकली है, ये इतना काम करते नहीं है। ये नकली काम है। तू भी तो उतनी अच्छी है नहीं जितनी दिखा रही है सबको। रोस्टेड दीदी, व्हाट इज दिस बिहेवियर? आप अपने यूएस से दीदी को बुला लिए हो? नहीं तो ऑब्वियसली दीदी आप क्यों आई हो? फल पैक करने फंस गई। उसको धोखे से बुला लिया तुम लोग ने। मैं धोखे से मोह माया में आ गई। देखो ये हमने पैकेजिंग की है, इसमें सब बो लगाया है, ये लगाया है बच्चों के कपड़े, मम्मी लोग के कपड़े, पापा लोग के कपड़े, और वहाँ पे ऐसे फैमिली का नाम लिखा है कि ये छोटे मामा इन फैमिली का है। इट अ क्यूट स्माइली फेस। हमने सब में वाइट कलर लगाया क्योंकि वो मैच कर रहा था, बट क्योंकि ये फर्स्ट लगा था तो मम्मा बोली फर्स्ट पे वाइट मत लगाओ, ब्लू लगाओ। अब ये जब सारा पैकेजिंग हो चुका है तो मम्मा बोला अभी इसको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो। ये मेरे सास ससुर का है। ओह संधि एंड संधन, ये तो मुझे भी नहीं पता था कि टू संधि एंड संधन लिखा है। बटिया वेरी प्रिटी, वेरी प्रिटी। एंड दिस इज द आर्ट, दिस इज द आर्टिस्ट जो यहाँ पे फूल चेंज कर रही है। मेरे आई थिंक 100 टाइम बोलने के बाद चाची बोली मैं कर ही देती हूँ यहाँ पे फूल चेंज। गलत फूल, दिस वन नहीं, इस पे हम लोग ने रेड मारा है ना तो इस पे रेड मारना पड़ेगा ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमने सब डाल रखा है। ये आज फ्रूट्स आ गए थे तो हमने फ्रूट्स की भी टोकरी बना दी है, तो इसके अंदर फ्रूट्स रखे हुए हैं। एंड यहाँ पे बाहर रुको, यहाँ पे बाहर भी हमने इधर फ्रूट्स रख रखे हैं। इसके अंदर ग्रेप्स एंड बनाना आएंगे बट वो कल आएगा। यहाँ पे लड्डू रखे हैं, यहाँ पे भी आई थिंक लड्डू ही रखे हैं, काफ़ी सारे लड्डू है तो लड्डू लड्डू रखे हैं। नया नया क्योंकि पूछा जाती है आपको कैसा लग रहा है? बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, ऐसा लग रहा है कब लेंगे पे रेडी हो जाओ। और फिर ऑन द अदर हैंड ऐसा भी लग रहा है कि रात ही नहीं खत्म हो, फिर बस पता नहीं क्या पेंडिंग है क्या नहीं पेंडिंग है, खत्म ही ना हो रहा। जब तक मुझे ऐसे सेटिस्फैक्शन ना मिले कि हाँ तुमने सब रख लिया है, तुमने सब कर लिया है, तेरा सब हो गया है, बड़ो फीलिंग ही नहीं आ रही। और जब सब हो जाएगा तब एंगेजमेंट खत्म हो जाएगी तो क्या करोगी? आई नो मेरी फिर से एंगेजमेंट नहीं होगी। मेरे को बहुत दुख अलग हो रहा है। ऐसी बात चलो तुम बात क्या हुआ? दिस इज अ ब्राइड्स रूम, ब्राइड्स रूम में लड़के नहीं आते हैं। तो खाली डायन में की क्या मतलब? यस डायन और डायन का डायना बार। भैया आपको कैसा लग रहा है आपकी बहन की शादी हो रही है? और आज 24 साल के बाद 24 साल की हो गई है ये। इतनी छोटी सी थी और आज शादी करने जा रही है। और क्या तेरी प्यारी बहन आज ये इस लड़के की हो गई है। ये लड़का है कसूरदार मेरे भाई के रोने का। कौन है कसूरदार? ये हमारा जीजा। और तुम इसके साले, इसके साथ तुम गाओगे पिज़्ज़ा? इतना गंदा नहीं 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 गंदे। मतलब है गंदा? इतना नहीं इतना नहीं इतना नहीं। लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि भगवान करे कि जैसे ये 23 साल में इतनी गंदगी के साथ रही है आगे ना रहे। अब नहाए धोए डेली ब्रश करे क्योंकि इसको किसी और के घर जाना है। अरे वहाँ पे ट्रू, वहाँ पे नहाना धोना मैंने, वहाँ पे टेक ओवर करना है,
तो अच्छे से रहना ना कि जैसे यहाँ रहती थी रात को मुझे 3 बजे उठ के भूमि पाव से क्योंकि मुझे पाव भाजी खाना है पाव तो सेकती थी। आपकी भी बेटी है उसकी भी शादी होगी तब क्या अभी आज ही वो आज ही 2 महीने की हुई है अभी 1 ही साल हूँ ना मैं इधर तो 1 साल में मैं जो बोलूंगी मेरे को सब दिला देना जब, हाँ, आप जो बोलती हो वैसे भी आपको सब मिलता है जितने भी जितने भी इसके पैदा होने पे FD RD हुई सब मैच्योर हो चुकी है। देखो मेरा भाई माय सिस्टर गॉट हर मिस्टर वाली मेहंदी लगा रहा है इतना प्यारा सा मेरा भाई है दिखा दे तेरा भोला सा सर मान गया बाकी सबने नखरे किए है ना इसको इसके मुंह पे नखरे तुमको भी लगाना है भाई भाई हो तुम तुम्हें बताया जा रहा है यस आप क्या लिखोगे भैया माय सिस्टर गॉट हर मिस्टर माय वाइफ बहन के सारे जज्बात बीबी का कॉल आते ही बदल गए खत्म खत्म अब बहन कुछ है ही नहीं रोना होता है रोना ये सेम चीज याद रखूंगी मैं मेरी शादी होने के बाद मैं भी ऐसे पति का कॉल आएगा भैया मेरे हस्बैंड का कॉल आ रहा है बाय यहाँ पे मैंने अपने कपड़े कर रखे हैं यहाँ पे मेरा भाई मुझे फालतू का चिल्ला रहा है जो अभी थोड़ी देर पहले खाली कर देगी जो थोड़ी देर पहले अभी रो रहा था मेरे गम में ये वही भाई है आज आपकी बेटी की सगाई आपको कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है लेकिन मुझे बहुत टेंशन है आपको कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है चलो गाइस अभी बज रहे हैं 9:30 गाइस क्या देखो गाइस ये देखो मेरी चाची रो रही है चाय गिरा दी गाइस चाय गिरा दी चाची आर यू श्योर आप इसलिए रो रही थी या इसलिए रो रही थी कि चाय गिरा देगी देखो सबसे ख्याल आ गया ना ये कहाँ से ली लटकने वाला चाची आपने तो संगीत में ली थी ना थी अभी आज सगाई करके तो मेरी संगीत में देखो काबू के लिए बीपी आई होता है इनको हाँ के लिए बीपी कम चाचा के लिए भी बीपी कम पापा के लिए बीपी हाई लगी हाई कैसे हुए उसके लिए क्या लगी ग्लूकोज ये तो पूरा एम्बुलेंस खड़ा रहेगा अरे लेंस लगा रही है ना रोएगी नहीं बहुत अच्छी हो गई वैसे कंट्रोल करने पता है कितने दिन से कंट्रोल कर रही हूँ पर पता विशाल रो देगा तू तो हाय गाइस मैं नहा धो के अच्छे से रेडी हो चुकी हूँ ये सब हमारा सामान है और ये रहा हमारे सामान हमने सारे सामान इधर पैक करके रखे हैं और हम लोग अभी थोड़ी देर में निकलेंगे। हाय गाइस, मैंने अपना हेयर स्पा वगैरह करवा लिया जैसे कि आपका हेयर स्पा नहीं कराया एक्चुअली हेयर वॉश कराया बट वो हेयर स्पा का ही काम कर रहा है मेरे बाल में और अभी हम लोग अपने आप को तोपेंगे हमारी ओला आ गई है क्योंकि हमारे गाड़ियों में जगह नहीं गाड़ियों में सामान जा रहा है हम आदमी लोग ओला में जा रहे हैं तो थोड़ा तुझे रास्ता मैं दिखाऊँ फिर यस अभी हम जाएंगे सगाई करने के लिए पता अभी मम्मी तो अभी मेरे हाथ में हाथ डाल दी किसी को भी देख के लगेगा तो मुझसे सगाई करने वाली है गणपत बप्पा बोरिया ये कम साफ कर ऐसा हो इधर 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 से चीटी हाउ टू यू सो एस्थेटिक गाइस लुक So guys, this is the part 2 of my engagement vlog. Part 3 will be get ready with me. मैंने अपना मेकअप खुद किया था और उसके रिलेटेड मैं वीडियो डाल रही हूँ तो stay tuned for my next video and I hope you guys enjoyed this. See you next video. Till then, bye.